नमस्ते, स्वागत है सभी को वागीश्री किचन में। कितना टेस्टी लग रहा है ना ये दही बल्ला पापड़ी। तो आज मैंने अपना 5000 व्यू कंप्लीट कर लिया है, इस खुशी में मैंने दही बल्ला पापड़ी बनाया है। तो घर पर कैसे बनाएं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में एक कप उड़द दाल ले लेंगे और इसी कप से आधा मूंग दाल ले लेंगे और अच्छे से हम इसे 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि दाल अच्छे से साफ हो जाए। इस तरीके से धोकर हम साफ कर लेते हैं और पानी डाल करके 3-4 घंटे के लिए हम दाल को भिगोने के लिए रख देंगे। इस तरीके से अब हम पापड़ी बनाने के लिए इस तरीके का एक बर्तन ले लेंगे। इसमें 1 कप मैदा मैंने ले लिया है, आप चाहो तो कोई भी कप से ले सकते हैं। और थोड़ा सा अजवाइन आधी चम्मच क्रश करके डाल लिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे और हम 2 चम्मच तेल डाल करके अच्छे से मसल लेंगे आटे को। इस तरीके से पूरा आटे में मिला लें, तेल को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं और ठंडे पानी से थोड़ा थोड़ा करके हम अपना आटा गूंथ लेंगे। देखिए, अच्छे से आटा लगा लेंगे, ठंडे पानी से थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। हमारा आटा टाइट होना चाहिए पापड़ी बनाने के लिए, इससे पापड़ी बहुत खस्ता बनता है। देखिए कितना टाइट है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके करेंगे तो हो जाएगा। अच्छे से हमारा आटा हो चुका है, अच्छे से करके रख लेंगे। देखिए इस तरीके से एक कपड़े में हम इसे रख लेंगे। अब मसाले के लिए, बल्ले के मसाले के लिए 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन, कुछ लौंग और 10-15 काली मिर्च को ले लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं अच्छे से इस तरीके से। और 2 चुटकी हींग ले लेते हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच काला नमक ले लेते हैं। इसे अच्छे से हम मिक्सी कर लेंगे। यह हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है, बहुत टेस्टी होता है। आप चाहो तो कोई भी सब्जी में भी डाल सकते हैं। अब देखिए हमारे आटे को फिर से एक बार थोड़ा सा मसल लेंगे, अच्छी तरीके से मसल लेंगे और इसका हम छोटे छोटे लोई बना लेते हैं। मैंने काफी छोटा बनाया, आप थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। इस तरीके से गोल बना लीजिए, आप हाथ से भी कर सकते हैं और ऐसे बेलन से भी कर सकते हैं, मैं बेल के बताती हूँ। इस तरीके से आप अब अपना पापड़ी को आटे की चम्मच से तरीके से आप लगा लीजिए ताकि फ्राई करते वक्त फूले ना। और हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, गरम करने के लिए रख दिया है। ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए हमारा तेल। इसमें हम पापड़ी हम डाल लेंगे, लो फ्लेम में ही रखेंगे अपने स्टोव को। और देखिए इस तरीके से पापड़ी को पलट करके दोनों तरफ से सेक लेंगे अच्छे तरीके से। तेल को ज़्यादा हीट पे नहीं रखना है, तभी हमारा पापड़ी खस्ता बनेगा अच्छे तरीके से। देखिए हमने ऐसा गूंथा है, इसीलिए तेल ज़्यादा नहीं पिएगा पापड़ी, बहुत अच्छा बन रहा है। देखिए आपको मैं दिखाऊंगी, देखिए इस तरीके से बना है। अब हम देखिए, देख सकते हैं आप कितना खस्ता बना है, बिल्कुल भी तेल नहीं लगा है। इसी तरीके से अच्छा बनता है, अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तेल ज़्यादा ले लेता है। अब हम अपना दाल पीस लेते हैं, अच्छे से भीग गया है। देखिए अब हम इसमें मिक्सी भी ले लेते हैं दाल को। अब हम इसका पानी बना लेते हैं भल्ले का, जिसको हम डुबा करके रखे भल्लों को। अब थोड़ा सा पानी गर्म होना चाहिए, 1 चम्मच
काला नमक ले लेंगे और थोड़ा सा हींग, ताकि बल्लों को डाल सके इसमें। पानी को सर अच्छे से मिला करके हम साइड रखते हैं। अब एक बाउल में दाल अच्छे से पिस गया है, इसे ले लेते हैं। अब हम एक बाउल में दही लेकर इसमें 2 चम्मच चीनी डाल लेते हैं और थोड़ा सा नमक ले लेते हैं और अच्छे से फेंट लेंगे भल्लों के लिए। अच्छे से फेंट लीजिए। अब इस दाल में, किसी भी दाल में 1 चम्मच जीरा डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा अदरक का पेस्ट डाल के अच्छे से मिलाएंगे। 5-6 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे ताकि इसमें अच्छे से हवा भर जाए। ये देखिए, इस तरीके से। अब कढ़ाई में तेल गरम करने रखते हैं और तेल को चेक कर लेते हैं। इतना ही गर्म चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। और हाथ को डुबाते हुए हम बल्लों को धीरे से डाल देंगे इस तरीके से। देखिए, ऊपर तैर रहा है। बल्ले इसी तरीके से होने चाहिए और धीरे धीरे करके हम इसे टर्न कर लेंगे, पलटते जाएंगे। अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे इस तरीके से घुमाते हुए। तेल में अच्छे से हमारे बल्लों को फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से हो रहे हैं, बहुत अच्छे बने हैं हमारे बल्ले। इस तरीके से हम निकाल करके 5 मिनट बाद पानी में डाल करके 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि पानी पी ले। और इसे निचोड़ करके हम निकाल लेंगे बल्लों को। देखिए, एक्स्ट्रा ऑयल पानी में सारा निकल गया है। अब हम बॉल में पापड़ी को इस इमली की चटनी में ऐसे डुबा करके निकाल लेते हैं। खट्टी मीठी चटनी होती है ना इमली की, बहुत टेस्टी होती है। इस तरीके से हम बॉल में रख लेते हैं। देखिए, मुंह में पानी आ रहा है ना। इसी तरीके से हम अपने बल्लों को दही में अच्छी तरीके से डिप कर लेंगे, डुबो के रख लेंगे। आप चाहो तो पहले से भी दही में डुबो करके रख सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से करती हूँ। अच्छे से दही डाल के मीठी चटनी भी ऊपर से हम डाल लेंगे, और तीखी वाली हरी चटनी होती है ना, वो भी हम डाल लेंगे अच्छे से। और हमारा स्पेशल जो ये मसाला है भल्लों की, ये अच्छे से डाल लेंगे। और इस तरीके से चाट मसाला, हल्का सा मिर्ची पाउडर और काला नमक ऊपर से डाल लेंगे, और अच्छे से नमकीन भी डाल लेंगे इस तरीके से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से डालकर और दही हम ऊपर से डाल लेंगे, और पापड़ी को तोड़ करके भी हम इस तरीके से डालकर धनिया अदरक डाल के ऊपर से टुकड़े अच्छे से इस तरीके से सर्व कर लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है ना। इसी तरीके से बना के एंजॉय करिएगा।